नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पूजा भंडारी आज आपको भारत और विश्व में हुई आज ही के दिन कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। आज के दिन 1824 में लंदन की नेशनल गैलरी को आम लोगों के लिए खोला गया था। 10 मई 1824 में स्थापित यह एक सदी में 1900 के बीच 2300 से अधिक चित्रों का संग्रह है। यह उस दौर का कला संग्रहालयों में से एक है। आज के दिन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मेरठ से शुरू हो गई थी। इस लड़ाई को भले ही अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा, मगर इस लड़ाई की शुरुआत में ही यह साबित कर दिया गया था कि अब अंग्रेजों के खिलाफ भारत के नागरिक चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज के दिन 1994 में नेल्सन मंडेला लोकतांत्रिक चुनावों के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। मंडेला ने राष्ट्रपति पद पर शपथ लेते हुए कहा था कि कभी नहीं और कभी नहीं यह खूबसूरत धरती कभी दूसरों के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। अब स्वतंत्रता का राज होगा। मानवता के इससे बेहतर उपलब्धि के मौके पर सूर्य कभी नहीं डूबेगा। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। आज के दिन संतोष यादव 1993 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर दो बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही है। वह माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। इसके अलावा वे कांगशुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी है। आज के दिन बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म 1905 में हुआ था। पंकज मलिक बंगाली संगीत निर्देशक थे जिन्होंने बंगाली तथा हिंदी फिल्म संगीत में अपना अद्वितीय योगदान दिया था। भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायन लाने वाले वे अग्रणी थे। आज के दिन भारतीय संविधान के विशेषज्ञ एवं पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म 1929 में हुआ था। उनकी संविधान पर लिखी गई किताबों को मानक किताबें माना जाता है। वो 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा में महासचिव थे। आज के दिन 1796 में नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया था। नेपोलियन ने भयंकर गोलीबारी के उपरांत भी पुल को पार करके शत्रु सेना को परास्त कर दिया था। वास्तव में लोधी के पुल का युद्ध उसकी शूरवीरता का एक ज्वलंत उदाहरण था। उस दिन से नेपोलियन अपने सैनिकों का आराध्य देव बन गया था। इस युद्ध में पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया की सेना ने मानयुआ दुर्ग में आश्रय लिया था। आज के दिन 1995 में दक्षिण अफ्रीका में सोने की एक खान की लिफ्ट में हुए हादसे में 104 मजदूरों की मौत हुई थी।